नमस्कार दोस्तों, रेवी ग्लोबल इलेक्ट्रिक बाइक चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे वेस्पा का एक आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, वेस्पा इलेक्ट्रिका। ये जल्द ही मार्केट में आने वाला है और ये एथर जैसे स्कूटर से टक्कर देगा क्योंकि इसका प्राइस अफोर्डेबल रहने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है, वेस्पा एक इटालियन ब्रांड है और ये काफी महंगे स्कूटर्स बनाती है। वेस्पा के स्कूटर्स में आपको कुछ ऐसी ही फीलिंग मिलती है जैसे कि आपको स्मार्टफोन के अंदर एप्पल फीलिंग देता है। ये प्रीमियम क्लासिक स्कूटर्स बनाती है, इसलिए इनके स्कूटर्स आपको दूर से ही मालूम चल जाते हैं ये वेस्पा का स्कूटर है। तो ये लोग अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च वाले इंडियन मार्केट के अंदर, और सबसे बड़ी बात, ये एक अफोर्डेबल स्कूटर रहने वाला है। तो मैं आपको स्कूटर के प्राइस, परफॉर्मेंस, रेंज, बिल्ड क्वालिटी, वारंटी सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। इसके दो मोड्स आएंगे, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस फर्क है परफॉर्मेंस का। एक लो स्पीड स्कूटर है और एक हाई स्पीड स्कूटर है, बाकी सब कुछ सेम है डिजाइन से लेकर फीचर्स तक। और इसका एक स्पेशल वेरिएंट भी है जो कि कंप्लीटली बोल्ड रेड कलर में आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएंट है, इसमें आपको परफॉर्मेंस फीचर्स सेम ही मिलते हैं, बट ये वाला वेरिएंट इन्होंने रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में बनाया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैंडेमिक पॉवर्टी और प्रिवेंटिव डिजीज को फाइट करने में ग्लोबली हेल्प करती है। इन्होंने काफी सारे आइकॉनिक ब्रांड से टाइप करा हुआ है, उसमें एप्पल भी आता है। इसमें होता ये कि अगर आप ये वाला वेरिएंट परचेज करते हो रेड वाला, तो जो भी यूनिट सेल होगा उसमें से कंपनी $100 डोनेट करेगी रेड ऑर्गेनाइजेशन को। और दूसरा जो उनका स्टैंडर्ड वेरिएंट है, उसमें आपको काफी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, इनकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। आपको वेस्पा का इलेक्ट्रिका में फुल्ली मेटलिक बॉडी मिलती है। मार्केट में हमें अभी तक सिर्फ एक ही और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेटलिक बॉडी दी जाती है, और बजाज चेतक। ये तो बाकी स्कूटर्स में आपको सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी मिलती है। लॉन्ग रन में प्लास्टिक की और फाइबर की बॉडी ज्यादा टिकती नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर फायर के केसेस देखने को मिल रहे हैं बैटरी के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें 48 की बैटरी मिलेगी जो कि एक नॉन रिमूवेबल बैटरी, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। और इसके टाइप की बात करूं, इसमें हमें LFP टाइप लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि NMC टाइप बैटरी से ज्यादा सेफ रहती है हाई टेम्परेचर पे, और चीपर भी होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसमें हमें LFP टाइप लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड करवाई जा रही है, और इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी अच्छा है, तो सेफ्टी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और बैटरी लाइफ इसकी 1000 साइकिल तक की है। और चार्जिंग टाइम की बात करूं, इसमें हमें 4 घंटे का चार्जिंग टाइम दिया जाएगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा हमें इस प्राइस के अंदर, पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी काफी अच्छी है। इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, इसमें हमें 3.6 किलोवाट की मोटर मिलती है जो कि ब्रशलेस DC मोटर, जिसमें कि हमें 4 किलोवाट की पीक पावर मिल जाती है, और 200 NM का पीक टॉर्क मिलता है व्हील के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और टॉप स्पीड की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको दो मोड्स दिए जाएंगे। एक होगा लो स्पीड वाला, जिसमें कि आपको टॉप स्पीड 45 किलोमीटर की मिलेगी, और दूसरा होगा हाई स्पीड वाला, जिसमें कि आपको टॉप स्पीड 70 के आसपास की मिल जाएगी। और इसमें हमें दो राइडिंग मोड्स दिए जाएंगे, इको और पावर। इको में हमें टॉप स्पीड 30 की मिल जाएगी इसके लो स्पीड वाले स्कूटर में, और हाई स्पीड वाले स्कूटर में हमें 45 की स्पीड दी जाएगी इको मोड के अंदर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अब तक जब पता चला, इसका प्राइस एक्सपेक्टेड है कि आपको 1 लाख के अराउंड देखने को मिलेगा एक्स शोरूम। इस प्राइस पॉइंट पे स्कूटर काफी वैल्यू ऑफ मनी रहने वाला है, और एथर जैसे स्कूटर को टक्कर देगा। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको वेस्पा कंपनी का ट्रस्ट मिल रहा है। वैसे इस प्राइस पॉइंट के अराउंड आपको ओला S1 AM देखने को मिलता है, ये भी काफी अफोर्डेबल हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बट इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि इसमें आपको हम मोटर दी जाती है। अदरवाइज स्कूटर भी काफी बढ़िया है, इसमें आपको फीचर्स भी सारे मिल जाते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं रेंज के बारे में। इसमें हमें सिंगल चार्ज में 100 की रेंज मिलेगी इको मोड के अंदर, इसके दोनों वेरिएंट्स में। इको मोड के अंदर हमें टॉप स्पीड 45 की मिलती है, हाई स्पीड वाले वेरिएंट में इस स्पीड के अंदर हमें 100 की रेंज मिल रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये स्पीड काफी होती है सिटी के अंदर। और पावर मोड के अंदर हमें इसकी रेंज 70-80 की मिलेगी सिंगल चार्ज में, और गाड़ी का ओवरऑल वेट आपको 130 kg का देखने को मिलेगा बैटरी के साथ। और इसमें केबल और चार्जर ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, आपको केबल लगानी होती है प्लग के अंदर। बूट स्पेस ऐसे थोड़ा सा कम लगा मेरे को, सिर्फ आप एक ही फुल साइज हेलमेट रख सकते हो, दो हेलमेट इसके अंदर नहीं आ सकते। और टायर्स की बात करूं, फ्रंट में आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और रेयर में आपको 11 इंच के ट्यूबलेस टायर के साथ। और डिस्प्ले आपको सिर्फ फ्रंट में ही मिलेगी, रेयर में आपको ड्रम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं, इसमें हमें फुल्ली LED लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसके कंसोल की बात करूं, इसमें हमें 4.3 इंच की TFT डिस्प्ले मिलेगी जो कि फुल्ली कलर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट
वन क्लस्टर है, जिसमें कि हमें ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, बैटरी टेम्परेचर, रेंज, ब्लूटूथ, इनका मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, नेविगेशन और साथ में आप कॉल भी आंसर कर सकते हो और म्यूजिक भी मैनेज कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको सारे फीचर्स दिए जाएंगे, बट इसकी भी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको सिर्फ 50 kg के आसपास की ही मिलेगी और इसकी वारंटी भी आपको स्टैंडर्ड 3 साल की मिलेगी बैटरी मोटर दोनों की। इसकी बैटरी और मोटर IP67 की रेटिंग से आती है, यानी कि वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है। सेफ्टी के मामले में तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो कंपनी का अब तक कहना है कि इस स्कूटर की बुकिंग आपको इस साल के एंड तक नहीं तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक ही देखने मिलेगी मार्केट के अंदर। उससे पहले कोई अपडेट्स आएंगे गाइस तो मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो गाइस आपको स्कूटर कैसा लगा, आपको क्या लगता है स्कूटर कैसा परफॉर्म करेगा मार्केट के अंदर? अभी तो और भी काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले हैं।